सर्च कीजिए टेक्निकल एजुकेशन चैनल को और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और उसके बाद बेल आइकन पे प्रेस करिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रीतम। तो दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं दोस्तों कि आप इंस्टाग्राम से फ़ोटो को कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो भी पीसी से दोस्तों। जी हां दोस्तों, पीसी से। तो मोबाइल से तो डिलीट हो ही जाता है दोस्तों, बट पीसी से आज मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। तो आज मैं आपको इसका पूरा जानकारी दूंगा दोस्तों कि पीसी से फ़ोटो कैसे डिलीट होता है इंस्टाग्राम पे। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैं ये यूट्यूब चैनल बनाया हूं दोस्तों, तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं दोस्तों आपके सामने नए नए ट्रिक लाने के लिए, बट दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। मुझे प्लीज़ दोस्तों, आप थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाइए दोस्तों, और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों, और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोग सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ गए लैपटॉप स्क्रीन पे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो पहले आपको एक ग्रैम्बलर की आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, और एक क्रोमा ब्राउज़र की। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको क्रोमा ब्राउज़र को ओपन करना है दोस्तों। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसमें इंस्टाग्राम से पहले से ही लॉगिन कर लिया है दोस्तों। तो आप जाकर इंस्टाग्राम पर आप पहले से लॉगिन कर लें, और आपको एक बात याद रखना है दोस्तों, मैं एक फ़ोटो को अभी सिलेक्ट करूँगा और उसका आपको URL कॉपी करना है दोस्तों। तो पहले आप इंस्टाग्राम पे जाएं और अपना इंस्टाग्राम यूज़र पासवर्ड देकर लॉगिन करें क्रोमा ब्राउज़र में दोस्तों। तो मैं ये फ़ोटो को एक फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों। तो ओके, मैं पहले बता देता हूँ दोस्तों कि आपको इंस्टाग्राम पे ऐसे जाना है दोस्तों, और जाकर दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन करना है जो आपका इंस्टाग्राम है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम का है दोस्तों, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों। इस फ़ोटो को मैं अभी डिलीट करके दिखाऊंगा। तो आपको दोस्तों इसका URL कॉपी करना है, तो आप Ctrl+A करके दोस्तों आपको इसको या डायरेक्टली आप कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप इसे ग्रैम्बलर एप्लीकेशन आपको पहले ओपन करना होगा दोस्तों। तो इसे आप सिंपली इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा दोस्तों। तो आपको इसमें अपना ईमेल और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देकर दोस्तों लॉगिन कर लेना है। उसके बाद अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम और इंस्टाग्राम पासवर्ड। तो आपको इसमें आपको पहले अकाउंट बनाना होगा दोस्तों साइनअप करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको जब अकाउंट ये बन जाएगा, तो आपको सिंपली जो नीचे में दिख रहा है दोस्तों लॉगिन नाउ, उस पर क्लिक करना है दोस्तों। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ, और जब यहाँ पे आपको अपना ईमेल और पासवर्ड देना होगा दोस्तों। तो जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल और पासवर्ड दे सकते हैं। ईमेल आप यहाँ पे अपना याद रखिएगा, ईमेल देना है, आपका यूजर नेम नहीं देना है दोस्तों। आप यहाँ पे अपना ईमेल दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर कर देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल डालना है, तो मैं अपना ईमेल डाल लेता हूँ। तो मैं दोस्तों अपना ईमेल डाल रहा हूँ दोस्तों। ईमेल डालने के बाद दोस्तों डायरेक्टली आपको पासवर्ड डालना होगा दोस्तों। तो पासवर्ड आप डालने के बाद दोस्तों पासवर्ड डाल लीजिए पहले। तो दोस्तों पासवर्ड मैं अभी डाल रहा हूँ दोस्तों। तो सिंपली आप पासवर्ड डाल के आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक करिए दोस्तों। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ समय वेट करना होगा दोस्तों। वेट करने के बाद दोस्तों जब आपका कुछ इस तरह से फिर आपका खुलेगा दोस्तों, तो इसमें फिर आपको दोस्तों अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना होगा दोस्तों। तो मैं अभी कर लेता हूँ, जो इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड है वो इंटर करना है दोस्तों। आपको ध्यान रहे मैं एक स्टेप आपको अच्छे से बता रहा हूँ दोस्तों। तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करना है, यूजर नेम। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दोस्तों। इंटर करने के बाद दोस्तों आप साइन इन पे डायरेक्टली यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तो साइन इन पे आप क्लिक करिए। तो मैं दोस्तों साइन इन पे क्लिक कर लेता हूं दोस्तों। साइन इन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ समय वेट करना होगा दोस्तों। वेट करने के बाद दोस्तों आपका फिर आपका इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो यहां पे ओपन हो जाएगा दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं, कुछ समय वेट करना होगा दोस्तों। यहां पे आपको नेटवर्क थोड़ी सी स्लो है दोस्तों, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये ग्रैम्बलर का एप्लीकेशन है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको उस URL को कॉपी करना है दोस्तों। तो मैं तो यहाँ पे सिंपली इसे कॉपी करके रख चुका हूँ दोस्तों। आपको सिंपली ये कॉपी करना है दोस्तों। तो कॉपी कर लेने के बाद दोस्तों, आपको इसमें आपको यहाँ पे एक हिस्ट्री का ऑप्शन होगा दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे नॉप पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको ये जो डिलीट फ्रॉम इंस्टाग्राम, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको अपना URL डालना है दोस्तों, जो कॉपी किए थे। URL डालने के बाद दोस्तों डायरेक्टली आपको डिलीट फ्रॉम इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका डायरेक्टली वो फोटो डिलीट हो चुका है दोस्तों। तो मैं आपको सिंपली उसे दिखा देता हूँ दोस्तों कि वो फोटो डिलीट हुआ है कि नहीं। तो मैं क्रोमा ब्राउजर फिर से ओपन करता हूँ और मैं बैक जाता हूँ दोस्तों। बैक जाने के बाद दोस्तों मैं अभी यहाँ पे भी फोटो है दोस्तों। मैं फिर से ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों वो फ़ोटो डिलीट हो चुका है दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फ़ोटो डिलीट हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ग्रैम्बलर का एप्लीकेशन आपको चाहिए दोस्तों। मैं इस सॉफ्टवेयर का नाम आपको मैं इस सॉफ्टवेयर का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। आप वहाँ से इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाता रहता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।